क्या होता है एंटी? बीआर टू चंद एक्सेप्टर बाबर टू चंदर। इन दोनों को जोड़ो और उल्टा करो तो क्या मिलेगा? बाबर टू बीआर एंड बीआर टू चंदर। बाबर टू चंदर एक्सेप्टर टू एंडोर्स, एक्सेप्टर टू एंडोर्स दैट इज बाबर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? चंदर अकाउंट कितना? 30,000 रुपीज। ये हो गया आपका बीआर Dishonored, being old bill cancelled या dishonored, old bill cancelled या old bill dishonored। इधर dishonored लिखो, cancelled लिखो, narration ही है, चलेगा। cancelled और dishonored में ना वापस थोड़ा सा practically फर्क होता है। क्या होता है, अगर debtor सामने से request करके आता है ना, यार please मेरे पास पैसे अभी नहीं दे सकता हूं, please renew कर दो, पुराना बिल कैंसिल कर दो, तो हम उसको बोलते हैं ओल्ड बिल कैंसिल। और अगर हम उसके पास गए और वो बोला नहीं पैसा नहीं है, हमें शौक लगा दे पाओगे पैसा, तो इट इज सेड टू बी डिसऑनर। एंट्री वही है, खाली प्रैक्टिकली थोड़ा सा फर्क है। क्या है, वो रिक्वेस्ट करके आते तो बी सेड दैट द बिल इज कैंसिल, और हम जाते हैं पैसा नहीं दिया, इट इज सेड टू बी डिसऑनर। बट यहां पे दोनों चल रहे हैं, नरेशन में कैंसिल लिखो डिसऑनर लिखो बोथ आर फाइन। एंट्री से बाबर टू चंदर एक्सेप्टर टू, मतलब इससे लेना बाकी है, इसको लेना बाकी है। कितना लेना बाकी है? 30। कितना लेना बाकी है? 30। डेट क्या? 83। दो महीने का बिल था 5162531 83 days 83 10। हाँ अभी बिफोर ड्यू डेट दिया है, तो आप डैश भी लिख सकते हो या फिर ड्यू डेट भी लिख, बोर्ड्स में दोनों चलते हैं। So, आप डेट लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात ये गेट। सो कीप इट वेरी सिंपल, बेसिकली कीप इट वेरी सिंपल। ऑनर हो चाहे डिसऑनर हो, ऑन ड्यू डेट बिफोर ड्यू डेट जो भी दिया है यू राइट द ड्यू डेट, ऑनर डिसऑनर दोनों के लिए ड्यू डेट। रिटायरमेंट में डेट दिया रहेगा उसके हिसाब से, ऑनर डिसऑनर दोनों कौन से डेट पे कर देगा? ड्यू डेट। समझा? बोर्ड के लिए दोनों चले। व्हाट इज द सेकंड स्टेप ऑफ पार्ट पेमेंट? पार्ट पेमेंट की एंट्री कौन बताएगा मुझे? भूमि दोषी। बाबर कैश टू एक्सेप्टर दैट इज कैश टू बाबर अकाउंट। कितना कैश आ रहा है? 50%। सो 15,000 आधा आ रहा है, राइट? 15,000 रुपीज 30 में से आधा आ रहा है। बिग पार्ट पेमेंट रिसीव, डेट क्या होगी? सेम। ऑल राइट, वेरी गुड। थर्ड स्टेप ध्रुवी, थर्ड स्टेप इंटरेस्ट, व्हाट इज द एंट्री? वेरी गुड। सो बाबर टू इंटरेस्ट, परफेक्ट। बाबर टू इंटरेस्ट, बाबर टू इंटरेस्ट। लेट्स कैलकुलेट द इंटरेस्ट, विच फॉर्मूला आर वी यूजिंग फॉर इंटरेस्ट? 15,000 into 600 into 2 upon 5. Perfect. कौन से 15,000 पे लोगे आप इंटरेस्ट? बैलेंस 15 आ गया, तो बैलेंस 15,000 पे क्या टक्केवारी से लोगे? दिया हुआ है वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, रीड द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट। 6% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? एक्सटेंडेड पीरियड पढ़ो, कितना रिक्वेस्ट कर रहा है एक्सटेंड करने के लिए? 3 महीना एक्सटेंड करना है, तो 3/12 राइट बिला। तो कीजिए इसको आप कैलकुलेट, 0000 कट, 6 ones are 6 twos are 225 आ रहा है ना? एग्जैक्ट 225 आ रहा है, एग्जैक्ट 225 आ रहा है। बी इंटरेस्ट चार्ज बोले तो रिसीवेबल, बढ़िया। इंटरेस्ट रिसीवेबल के बाद चौथा स्टेप, एक मिनट, एक्सेप्टेंस ऑफ अ न्यू बिल। ऋषि बिल्स रिसीवेबल टू बाबर, ओके ऋषि, परफेक्ट। बिल्स रिसीवेबल टू बाबर, ये तो करेक्ट बोला। बिल रिसीवेबल बढ़ा, बाबर डेटर घटा,
मुझे सोच के इसका अमाउंट बोल, रिमेनिंग अमाउंट बोले तो कितना? 15 बस 15 और इंटरेस्ट भी लेना है, छोड़ देते हैं दोस्त 15 से है ना सेटल, 15,220 लेगा इंटरेस्ट पक्का, जाने नहीं देगा पप्पा का दुकान बंद करवाएगा। 15,225 बराबर है, क्यों समझा? 15,000 इज द बैलेंस अमाउंट प्लस 225 इंटरेस्ट, वो भी आने वाला है ना, कहा दिया उसने कुछ इंटरेस्ट दिया है अभी तक रोकने में नहीं दिया। 15 बैलेंस प्लस इंटरेस्ट 15,225 लेना है विद द न्यू बिल। सो बिल्स रिसीवेबल टू बाबर बीआर एक्सेप्टेड विद इंटरेस्ट, बीआर एक्सेप्टेड विद इंटरेस्ट। आ जाओ यहां तक, यहां पर आपका रिन्यूअल प्रोसेस होता है खत्म। अब मुझे सोच के बताओ कितने बिल हैं एट प्रेजेंट आपके पास? एक ही बिल है। कौन सा एक बिल है? 15,225 वाला। पुराना बिल का भी कुछ स्टोरी? कुछ नहीं है, सब खत्म, फिनिश, कुछ लेना देना नहीं है। ओके बढ़िया, याद हो गया। टेल मी व्हाट इज हैपनिंग टू दिस न्यू बिल। अच्छा न्यू बिल से पहले उधर एक पॉइंट दिया हुआ, अंबर पेज द नेसेसरी अमाउंट टू चंदर, मिला? अंडरलाइन करो वो स्टेटमेंट, अंबर पेज द नेसेसरी अमाउंट टू चंदर को अंडरलाइन करो, प्लीज अंडरलाइन दैट पार्ट एंड पुट अ स्मॉल स्टार, अंबर पेज द नेसेसरी अमाउंट टू चंदर। इसका मीनिंग कोई मुझे बताएगा? हमने हमारे क्रेडिटर को पैसा दिया, क्यों दिया? बाकी रहा ना, हमने देखो उसको पहले बिल देके सेटल किया, बिल तो क्या हो गया बाउंस, तो अभी हमें कितना देना है चंदर को? 30,000 देना है ना, वो दे रहे हैं। ये एंट्री आपके ऊपर वाले प्रोफॉर्मा एंट्री में नहीं है, एक्स्ट्रा है, तो ये एक्स्ट्रा एंट्री आपको हर एक समय नहीं करनी है, जिस समय बोला है ना वही समय करने का, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं। ये सब में बोला है आपने अपने क्रेडिटर को पैसा दिया, कितना दिया? 30,000 दिया, क्या एंट्री करोगे उसकी? चंदर टू कैश, क्रेडिटर को सेटल किया, क्रेडिटर घटा और कैश घटा, चंदर टू कैश कितना? 15,000 कितना दे रहा? 30 दिया। बी चंदर अकाउंट सेटल्ड, डेट क्या हो? सेम डेट, जहां एंट्री आती है वही डेट मार देंगे, 8/3/2010 रिन्यूअल के बाद वाली डेट है 8/3/2010। ये एंट्री हर एक समय करोगे? नहीं, जिधर स्पेसिफाई करके बोला हो उधर ही करनी है, हर एक समय करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? बढ़िया, अब वापस आ जाते हैं ये बिल पे। धीर भानुशाली, क्या हो रहा है नया बिल का हालत पढ़ो। जूली मेट ऑन ड्यू डेट, वेयर इज दिस बिल? रिटेन एंड ऑल डिस्काउंटेड जीएसटी, रिटेन बी आर ऑलरेडी एंट्री, धीर कैश टू बी आर, पैसा आया बिल गया, चलो वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना कितना? 15,225 बी आर ऑनर्ड, डेट क्या हो? 11/6/10 तीन महीना था तो मार्च था ना, अप्रैल मई जून और 11 June 2010 परफेक्ट, 11 June 2010 सॉरी, 3 months plus 3 days ऑफ ग्रेस। आधा साइड छोड़ देना है लेजर के लिए, लास्ट सम ड्रॉ करो, सम नंबर फिफ्टी परसेंट आपके दोनों, मतलब पहले ओरिजिनल भी डिस्काउंट, ओरिजिनल बिना पैसा पूरा आते नहीं ना। अच्छा पति हाँ
करूं पड़े ना बैंक के ड्यू डेट पर पूरा पैसा ना चाहिए ना ना दिल ना पूरा पैसा आवाज ऑन द ड्यू डेट तो मतलब बने दिल ना पूरा पैसा ना मतलब बिल सेट टू बी ये नो बिल नो ड्यू डेट से आ सर कयो सवाल 8 मार्च थी पहला भले 15,000 ले जाए पर बिल दर पे पूरा पैसा ना थी मैंने रिटायर करूं तो पूरा 30 आप पड़े 15 बिल ना ना पड़े बिल तो डिजोनर कंसिडर अपने ने कही आप ही तू बाकी ना लोकेशन है यार हमारा तो ना बिल भले 15 8 मार्च हो के 6 मार्च है 1 मार्च है डिजोनर नहीं है एक सम कीजिए कृपया शॉर्ट एंड स्वीट विद नरेश आज आपको कुछ खास होमवर्क नहीं है आपको क्या करना है आज सुनो देखना है जो भी प्रोफॉर्मा एंट्रीज है ना आपने 3 बार लिख के दे दिया कल आपको 1 बार लिख के ऑन अ फुल स्केल पेपर विदाउट सीट अभी आपने समझौन भी कर लिया है और कड़क हो गया है 1 बार लिखा है विदाउट सीट वंस और उसको 5 बार ठीक है ऐसे ही होते रहेगा हर लेक्चर में अगर पढ़ के नहीं आया तो मेरे को 3 बार पूछा 3 बलता ही मेरे को एंट्री बोला ऐसा मेरे को हटा गया तू पैनिक हो गया मेरे को पैनिक भूल गया वो जाता था चलो एक बार लिख के आया है और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुनिए क्या है आपको परचेज करनी है एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक 12th स्टैंडर्ड अकाउंट की पता है 11th में थी ऐसे 12th की अकाउंट की गवर्नमेंट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक मिलती है वो एक बुक आपको परचेज करनी है आज के आज कल लेके आनी है क्योंकि कल से उसका होमवर्क चालू हो जाएगा कहाँ मिलेगी सोमैया के सामने 2-3 बुक देखो है बोले उसका अरे वाह हीरो फ्लाइट कभी लिया 11th में लेके ले लिया ये रहा 12th का स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है गवर्नमेंट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लेटेस्ट एडिशन आया होगा अभी मार्केट में तो लेटेस्ट वाला ले लेना आप ठीक है ये वाला आई थिंक है आपका लेटेस्ट लास्ट ईयर वाला वही लेटेस्ट बोल रहा हूँ लास्ट ईयर बोल रहा है भाई लेटेस्ट एडिशन जो भी रहेगा ना दुकान वाले को बोलना दे देगा आपको ओके पर आज का आज बाय करके रख लेना डोंट कीप इट पेंडिंग ठीक है कल से इसका होमवर्क स्टार्ट हो जाए और एक बार लिख के आना है आपको एंट्री ड्रॉ करो एट समा मुझे देख के बताओ वी आर राइटिंग इन होस्ट बुक्स पक्का वी आर अजय या वी आर विजय ऑल ऑफ यू अग्री वी आर अजय पक्का 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 चलो बढ़िया पढ़ो अजय सोल्ड बुक्स ऑफ 5000 टू विजय ऑन 1/1/2010 द कुशाग्र टेल मी द सेल्स एंट्री विजय टू सेल्स वेरी गुड विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हाउ मच 5000 एब्सोल्यूटली राइट बी गुड्स सोल्ड टू विजय डेट क्या होगा 1/1/10 हैप्पी न्यू ईयर बिल्स रिसीवेबल टू विजय 1/1/2010 एब्सोल्यूटली राइट करेक्ट अभी विजय इसको भी स्टार करना सबको बाय द वे ये सबको भी स्टार मत
अजय सोल्ड गुड्स टू विजय ऑन 1/1/2010 नॉट इट. अभी बताओ मेरे को विजय एक्सेप्टेड वन बिल ऑफ 2000 फॉर 2 months एंड अनदर बिल ऑफ 3000 फॉर 3 months. दो बिल उसने एक्सेप्ट किया. अभी तक आप एक बिल कर रहे थे, उसने दो बिल एक्सेप्ट किया. कुछ नहीं है, बिल एक्सेप्टेंस की तो एंट्री रिमेन्स सेम. खाली हम उसको नंबर दे सकते हो, बिल्स रिसीवेबल 1 एंड बिल्स रिसीवेबल 2. और क्लब कर सकते हो, एंट्री क्या होगी, बिल रिसीवेबल 1 डेबिट, बिल रिसीवेबल 2 डेबिट, 2 विजय. एक के जगह दो बिल्स आ गए. हाँ, एक साल. तो बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, एक साल की डेट सेम है ना. बिल्स रिसीवेबल 1 डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अरे अच्छा हाँ हाँ एक्सेप्टेंस का डेट सेम है ना, टाइम पीरियड फ्यूचर में अलग हो जाए. अभी तो डेट सेम है ना, साथ में कंबाइन 1/1/2010 अरे ऐसा नहीं है, 5 तो मतलब नरेशन में सुना था ना, एक्सेप्टेड फॉर फर्स्ट बिल फॉर 2 मंथ. हाँ ऐसा देखो बता रहा हूँ, BR1, BR2 accepted for 1 month and 2 months and 3 months respectively. BR1 and BR2 accepted for 2 months and 3 months respectively. ये 2 महीना 3 महीने का मतलब क्या है? पहला बिल 2 महीने बाद है और दूसरा बिल 3 महीने बाद. दैट इज अ मीन. बट वो तो दोनों सेम डेट पे रहे ना, एक्सेप्टेंस तो दोनों का सेम डेट पे हो रहा है ना, समझा. तो BR1, BR2 टू विजय. क्लियर यहां तक? व्हाट इज हैपनिंग टू द फर्स्ट बिल? फर्स्ट बिल वॉज सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन. तनेशा, tell me the dealing entry for bank for collection. Bank for collection account debit to BR. अभी bank for collection भी लिख सकते हो. Better term again is this bill sent to bank for collection account debit to bills receivable 1 account. Bills sent to bank for collection debit to bills receivable 1 account. आप bills sent to bank for collection लिखो या फिर bank for collection लिखो, दोनों right है. Better one is bills sent to bank for collection. जैसे rebate और discount, retirement में rebate भी लिख सकते हो, discount भी लिख सकते हो. Better it is if you write rebate. यहाँ पे bills sent to bank for collection to bills receivable 1, 2000 का bill था first bill. BR1 sent to BFC, bank for collection. Date क्या है इसकी? 4/1. First only. जो डेट पे सेल हुआ वही डेट पे, अरे वही डेट पे सेंड किया ना. डीलिंग एंट्री है, हेलो. डीलिंग एंट्री लापन ऑन द सेम डेट. ये चौथी स्टोरी है. हमने एक डिस्काउंटिंग देखा, एक रिटेन देखा, एक एंडोर्स देखा, और ये क्या है? बीएफसी. फोर्थ स्टोरी है. रिमेम्बर बीएफसी? कुछ बीएफसी वसूली एजेंट, उसको बिल दे दिया. तो बीएफसी टू बीआर, एजेंट बड़ा बीआर, एजेंट इज अवर डेटर. याद आया? सो फर्स्ट बिल चला गया बीएफसी में, सॉर्टेड. वेयर इज द सेकेंड बिल गोइंग? पढ़ो. रिटेन बिल का कोई एंट्री नहीं है. आएगा कि नहीं? नहीं. पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? तो पहला बिल बीएफसी का, दूसरा बिल अपने पास है, सॉर्टेड. अब पढ़ो आगे क्या हो रहा है. फर्स्ट बिल ऑन द ड्यू डेट वॉज ऑनर्ड एट बैंक चार्ज ₹5. प्रूफ टेल मी, बीएफसी का बिल गेटिंग ऑनर्ड? बीएफसी का बिल गेटिंग ऑनर्ड कैश बैंक चार्जेस टू बीएफसी, बराबर.
पैसा आया किससे आया, बीएफसी से आया, तो बैंक को बीएफसी के बीच में क्या घुसा देने का चार्जेस, ऑनर हो रहा है वो फॉर अ चेंज फर्स्ट टाइम, नहीं तो हर बार क्या हुआ तीनों सब में रिव्यू हुआ, तो ये ऑनर हो रहा है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक बैंक चार्जेस, क्यों चार्जेस समझा, क्यों चार्जेस, ये कलेक्शन चार्जेस, ओके बैंक बैंक चार्जेस टू बीएफसी, मतलब बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल था कितने का 2000 का, चार्जेस कितना 5 रुपया, हाथ में आएगा 1995, बीइंग BR1 ऑनर्ड, बीइंग BR1 ऑनर्ड, फर्स्ट बिल ऑनर हो गया, बैंक बैंक चार्जेस टू बैंक फॉर कलेक्शन लिखा तो भी चलेगा, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन भी चलेगा, इसकी ड्यू डेट क्या होगा, 2 महीने का था ना ये बिल, तो 4, 3, 10 समझ में आस्किंग समथिंग, आपने दो बार बैंक बैंक चार्जेस अच्छा नहीं, अरे ये बैंक अकाउंट है, ये बैंक चार्जेस अकाउंट है, ये खर्चा हो गया टू बिल, पैसा कम आया ना, बैंक टू बिल एंड बैंक चार्जेस टू बिल, पढ़ इट बड़े आगे, अभी फर्स्ट बिल का स्टोरी हो गया, कितने बिल्स थे, एक बिल तो खत्म, बचा दूसरा वाला, दूसरा वाला क्या हो, रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट, अदर डिस्काउंट ऑफ 12%, वेयर वाज द सेकंड बिल बाय द वे, रिटेनिंग था, और आपको रिटेन में ही है ना रिटायरमेंट, बोला था ना मैंने रिटायरमेंट एंट्री, साक्षी बोलो रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, वेरी गुड, कैश टू बीआर ही था, बीच में क्या डाल दो, रिबेट डिस्काउंट, सो कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1 की 2 अकाउंट, बराबर से कब रिटायर हो रहा है जरा पढ़ो दो, 4, 3, 10 1 month बिफोर द ड्यू डेट, पहले जंप मारो उसके ड्यू डेट पे, 4, 4, 10 उसकी ड्यू डेट है ना, 3 महीना था, 4, 4, 10 से 1 महीना पीछे आओ, तो 4, 4, 10 से 1 महीना पीछे आओ, तो 4, 3, 10 4, 3, 10 को ये हो रहा है रिटायर, रिटायरमेंट में रिबेट कितना है दिया अमाउंट, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा रिबेट वापस,